कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका जम्मू में लगता है। हर्षदीप सिंह अलविदा कहते हैं आम आदमी पार्टी को, और ये कहते हैं कि अगर जम्मू के मुद्दों को उठाना है तो रीजनल पार्टी जो एक पैंथर्स पार्टी थी जिसपे वो मैं छोड़कर आया था कुछ विवादों के चलते, एक बार फिर से मेरे अपने कह रहे हैं कि उस पार्टी का दामन थामा जाए। लेकिन अब जब सुबह ये तस्वीरें जो अपन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, पैंथर्स पार्टी का जो दफ्तर गांधीनगर में है उसे सील कर दिया जाता है, यानी कि वो अब कार्य में नहीं रहेगा पार्टी के लिए, यानी कि पैंथर्स पार्टी के लिए। अब जब उनके करीबियों से बातचीत हुई, जो प्रेजिडेंट है पैंथर्स पार्टी की, समय बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं आया, नोटिस दिए बिना जो है दफ्तर को सील कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि हर्षदीप सिंह के घर पर भी कुछ लोग पहुंचे थे रात के समय में कल शाम को, लेकिन जब सुबह वो दफ्तर पहुंचते हैं तो दफ्तर उन्हें सील मिलता है। आखिरकार ये कार्रवाई जो की गई है ये बिना नोटिस के की गई या फिर उन्हें नोटिस दिया गया था, इसकी पुष्टि अभी तक हम नहीं करते हैं कि उन्होंने जो कहा है कि उस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन ऑफिस सील हो चुका है, पैंथर्स पार्टी में हर्षदीप सिंह की वापसी हुई है, उन्होंने फिर से रिवाइवल की बात की, उसी समय जो है पैंथर्स पार्टी का दफ्तर भी जो है वो सील कर दिया गया। ये आज सुबह की बड़ी खबर थी, पैंथर्स पार्टी का दफ्तर जो है वो सील हो चुका है। अब हर्षदीप सिंह के लिए बड़ी चुनौती है कि वो पार्टी को किस तरीके से उसका विस्तार करेंगे, किस तरीके से जो है इस पार्टी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जो दफ्तर जहां बैठकर उन्होंने वो तमाम चीजें तमाम रणनीतियां बनानी थी उसको जो है वो सील कर दिया गया है। क्या ये आज जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किया गया है, स्टेट विभाग की बात करें या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हालांकि इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि कोई जहां पर नोटिस जो है गेट पर नहीं लगा हुआ था, ना वहां पर अधिकारी थे। सुबह के समय जब हम भी वहां पहुंचे तो उसी समय जो है ये दफ्तर जो था वो सील मिला। तो अब आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में रखनी है कि इस कार्रवाई जो की गई है, इस कार्रवाई से जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक रीजनल पार्टी है जम्मू के मुद्दों को उठाती है लेकिन उसका दफ्तर सील कर दिया गया है। आखिरकार वजह क्या रही, ना तो नोटिस चिपकाया गया है और घरवाले भी कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया। अगर ऐसा वाकई सच्चाई है तो ये कैसी खबर है, आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखनी है। जरूर के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।